दोस्तों, मैं आपका अपना रोहित कसाना फार्मिंग लीडर 76 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही जानदार फॉर्मूला जो कृषि से संबंधित है, जो कि ऑर्गेनिक है दोस्तों। तो जिसका नाम है जुबलिक एसिड, वो आपको किस तरीके से तैयार करना है, किस विधि से तैयार करना है, और इस फॉर्मूले के अंदर ह्यूमिक एसिड की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है दोस्तों, जो कि हमारा ग्रोथ प्रमोटर है। जैसा कि हमारी मुंजी की जो लगाई है, जो धान की फसल है, वो चालू हो चुकी है। अगित्ती जो फसल होती है, वो हमारी चल चुकी है, काफ़ी दिनों से लगाई के तगार पर है। इसलिए मैं आपको आज इस फार्मूले के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आपको इस फार्मूले को तैयार करने के लिए क्या क्या लेना है, विधि क्या है इसको तैयार करने की, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों, यदि आप जुबलिक एसिड को तैयार करते हैं, इस फॉर्मूले को, तो इसके लिए आपको जो हमारे गोबर से बने हुए 10 उपले आपको लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेना है लगभग 50 लीटर पानी, जो एक ड्रम के अंदर हो दोस्तों। तो दोस्तों, उसके साथ साथ इसको बनाने की विधि ये है, जो आपके 10 उपले होंगे गोबर के, उनको हम 50 लीटर पानी के अंदर डाल देंगे और 4 दिन के लिए हम उन उपलों को पानी के अंदर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे जो उपले होंगे उसको हम निकाल देंगे, या किसी विधि से भी हम छान लेंगे उसको, जो उसके अंदर जो हमारा खाद बना है या गोबर जो बना है उसको हम एक तरफ निकाल देंगे, और जो हमारा पानी रह गया, पानी का कलर थोड़ा लालपन पे आ जाएगा, उसकी जो है हमें स्प्रे करानी है। स्प्रे क्या, इस तरीके से स्प्रे करानी है आपको, जैसे हमारी जो धान की फसल है वो लग गई है, लगने से 10 या 15 दिन के बाद आपको एक टंकी जो स्प्रे वाली होती है उसके अंदर आपको 2 लीटर टंकी के अंदर डालना है, और 2 लीटर एक बीघे में स्प्रे होगी, जो 2 लीटर जुबलिक एसिड हमने तैयार किया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा जो है बहुत ही अच्छी, जो हमने इसका रिजल्ट देखा बहुत ही अच्छा मिला, ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और ये ऑर्गेनिक है दोस्तों। इसकी कोई खास कॉस्ट भी नहीं होगी, जो हमारे किसान भाई हैं सभी पशु पालते हैं अधिकतर, तो गोबर अपने घर का ही हो जाएगा, गोबर के साथ जो हमारे उपले होते हैं वो भी घर के ही होंगे, तो कोई खास कॉस्ट इसकी नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेन बात ये होगी कि आपके जो उपले होंगे वो लगभग 1 साल पुराने होने चाहिए, और वो बारिश में भीगे हुए ना हों। और जो मैं विधि बताई है इस अनुसार आप कीजिए, और मैं एक बार फोटो में भी दिखा देता हूँ, वीडियो में ऐड कर देता हूँ, किस तरीके से, किस तरीके का दिखता है हमारा उपला, किस तरीके से आपको ये डालना है। बहुत ही अच्छी, जो हमने इसका रिजल्ट देखा बहुत ही अच्छा मिला, ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और ये ऑर्गेनिक है दोस्तों। इसकी कोई खास कॉस्ट भी नहीं होगी, जो हमारे किसान भाई हैं सभी पशु पालते हैं अधिकतर, तो गोबर अपने घर का ही हो जाएगा, गोबर के साथ जो हमारे उपले होते हैं वो भी घर के ही होंगे, तो कोई खास कॉस्ट इसकी नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेन बात ये होगी कि आपके जो उपले होंगे वो लगभग 1 साल पुराने होने चाहिए, और वो बारिश में भीगे हुए ना हों। और जो मैं विधि बताई है इस अनुसार आप कीजिए, और मैं एक बार फोटो में भी दिखा देता हूँ, वीडियो में ऐड कर देता हूँ, किस तरीके से, किस तरीके का दिखता है हमारा उपला, किस तरीके से आप। दोस्तों, ये है हमारा उपला, इसको आप, मैं जैसा बता रहा था आपको, ये जो उपले हैं हमारे लगभग 1 साल पुराना है,
इस फार्मूले को तैयार करने के लिए आपको उपला जो है लगभग एक साल पुराना ही लेना होगा। नए उपले में इतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस उपले को जो हमारे उपलों की वो है वो 10 होगी, 10 उपले लगभग 50 लीटर पानी में आप डालकर छोड़ देंगे और 4 दिन के लिए इसको आपको करना है। 4 दिन बाद आपको इसको निकाल देंगे, पानी का कलर थोड़ा लालपन पे होगा। उस पानी की आप अपनी किसी भी फसल में, चाहे वो गन्ना हो या धान हो या कोई भी फसल हो, आप उसमें लगा सकते हैं। जुबलिक एसिड इस फार्मूले का नाम है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक है और इसके अंदर खास तौर पर ह्यूमिक एसिड की मात्रा जो है काफ़ी अच्छी संख्या में पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों उपले निकालने के बाद आप एक स्प्रे की जो टंकी होगी उसके अंदर आप इसको 2 लीटर टंकी में डालेंगे और धान की फसल में जब लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 दिन बाद आपको यह करना है, एक स्प्रे करानी है और 10-10 दिन बाद फिर स्प्रे करना। तो दोस्तों आप इसको यूरिया फर्टिलाइजर के साथ भी ऐड कर सकते हैं और अपनी जो फसल है उसमें पानी भरने के बाद या सिंचाई करने के बाद भी इसको लगा सकते हैं या उस पर स्प्रे भी करा सकते हैं। स्प्रे की आपको मैंने बता ही दिया है, किसी भी फसल में पर टंकी 2 लीटर आपको ये जुबलिक एसिड डालना है। और दोस्तों यदि आप इसको फर्टिलाइज़र के साथ ऐड करके अपने खेत में भी डाल सकते हैं, उसका भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फार्मूले को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस फार्मूले का यूज़ उठाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा इस फार्मूले को औरों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी को पता चले, क्योंकि इसकी कोई ख़ास कॉस्ट नहीं है और इसका रिज़ल्ट एकदम 100% 100% आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर लेकर आऊँगा आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो। तो दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।